नमस्कार, मैं हूँ कंचन। आपके अपने रेसिपी प्लानर चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में साबुत गेहूं की हेल्दी खीर बनाएंगे और इसे ज़्यादा क्वांटिटी में 12 से 15 लोगों के लिए बनाएंगे। आप इसे कम क्वांटिटी में बना सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे साबुत गेहूँ लिए हैं, ये 2 कप है। आप कोई भी गेहूँ ले सकते हैं। और अभी हम इसको मिक्सी में ऑन ऑफ करते हुए सिर्फ 1 से 2 बार घुमाएंगे। ये देखिए, मैंने इसको ज़्यादा नहीं पीसा है, हमें इसको इतना ही घुमाना है, एक गेहूं के 2 टुकड़े हो जाए। अभी इसके अंदर पानी डाल के अच्छे से इसको धोएंगे। इसको इस तरीके से घिसते हुए धोएंगे। अभी इसका पानी निकाल के और 2 बार इस तरीके से ही धोएंगे। इसको मैंने 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया है। और अभी इसको हम कुकर में डालेंगे और अब इसमें पानी डालेंगे। ये 2 कप गेहूँ है। 2 कप गेहूँ के लिए मैंने इसमें 1.5 लीटर पानी डाला है। ये साबुत गेहूँ है, ये पकने के बाद बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए आप इसको बड़ा साइज़ का कुकर ले लीजिए। और अभी इसको ढक्कन लगा के 7 से 8 सीटी लगाएंगे। कुकर की सीटियाँ हो गई है, कुकर ठंडा भी हो गया है। अभी हम इसको खोल के देख लेते हैं। ये देखिए, गेहूँ अच्छे से पक चुके हैं। और अभी इसमें 1/2 लीटर गर्म पानी डालेंगे। अभी फिर से लो फ्लेम पे इसको 15 से 20 मिनट बिना ढक्कन के हम पकने देते हैं। अभी एक साइड में हमारी खीर पक रही है, तब तक हम बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। इसके लिए गैस पे मैंने कढ़ाई रखी है और मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून सफ़ेद तिल लिए हैं, ये इसके अंदर डालेंगे और इनको थोड़ा सा भुनेंगे। अभी ये भुन गए हैं, इनको एक प्लेट में निकालते हैं और ठंडा होने देते हैं। और अभी इसी कढ़ाई में 1 टेबलस्पून घी डालेंगे। घी पिघल गया है, अभी इसके अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून कटे बादाम, 2 टेबलस्पून कटे काजू, 2 टेबलस्पून चिरौंजी। और अभी इन सबको इस घी में अच्छे से भुनेंगे। इनका हल्का कलर चेंज हो गया है, ये अच्छे से भुन गए हैं। अभी गैस बंद कर देते हैं और इसको ऐसे ही घी के साथ साइड में रख देते हैं। अभी तिल ठंडे हो चुके हैं, अब इनको एक मिक्सर के बर्तन में डालेंगे और इसका पाउडर बनाएंगे। अभी ये पाउडर बना लिया है, इसको थोड़ी देर साइड में रखते हैं। और अभी मैंने यहाँ पे एक गीला नारियल लिया है, मैंने इतना लिया है। और अभी हम इसको कद्दूकस करेंगे। अभी कोकोनट भी कद्दूकस हो गया है, इसको थोड़ी देर साइड में रखते हैं और खीर चेक कर लेते हैं। ये देखिए, 20 मिनट से खीर भी अच्छे से पक रही है। और अभी हम इसके अंदर एक कोकोनट डालेंगे और जो तिल की पाउडर बनाई थी वो भी इसके अंदर डालेंगे। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अभी मैंने यहाँ पे 2 कप गुड़ कट करके लिया है, ये इसके अंदर डालेंगे। ये 1/2 किलो है और बिल्कुल थोड़ी सी चीनी ली है, ये 1/2 कप है, ये भी इसके अंदर डालेंगे। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। पूरा गुड़ का पानी सूखने तक हम इसको लो फ्लेम पे पकाते रहेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। ध्यान रखिए गैस बढ़ाना नहीं है। और 15 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे मैंने पकने दिया है। अब इसके अंदर हम ये ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, ये घी के साथ ही डालेंगे। अभी मैंने यहाँ पे 1/3 कप किशमिश लिया है, ये इसके अंदर डालेंगे। 2 टीस्पून इलायची पाउडर और 2 पिंच नमक। हमने इसके अंदर दूध का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि इसके अंदर गुड़ है और गुड़ की वजह से दूध फट जाता है। आप इसे सिर्फ गुड़ में या फिर सिर्फ चीनी में भी बना सकते हैं। आप इसको सर्व करते समय चाहे तो थोड़ा सा दूध और घी इसके अंदर डाल के सर्व कर सकते हैं। अभी इसे और 2 से 3 मिनट पकने देते हैं। अब ये तैयार है, ये देखिए इस तरीके से बननी चाहिए। अब गैस बंद कर देते हैं, ऐसी होनी चाहिए। ये देखिए, आप सर्व करते समय इसको दूध के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिए। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइए कि ये आपकी खीर कैसे बनी। फिर मिलते हैं ऐसे ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।